गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग भाई? आ गए सुबह ही खेत में, क्योंकि कल का है मंगलवार और आज का है सोमवार। तो अभी माल हमने कल उपड़ के रख दिया था, तो अभी वो माल पूरा काटना है भाई, दिन भर और भरना भी है। तो देखते हैं भाई आज कितने कट्टे हो पाते हमारे। तो चलो पहले तो यहाँ से माल उठाकर सालू में लेकर जाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। ये देखो भाई यहाँ से कितने 30 कट्टे तो चले गए। आज शायद 10 कट्टे का अंदाज है, क्योंकि हमें एक ही दिन मिला, ज़्यादा तो दिन मिला नहीं। तो आज 10 कट्टे निकलेंगे, 40 कट्टे हो जाएंगे। 40 कट्टे होने के बाद भी खेत देखो भाई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ 40 कट्टे जाने के बाद। 40 कट्टे कम से कम कितना माल होता है? करीब करीब 20 क्विंटल माल होता है, मतलब 2 टन माल। 2 टन माल चला भी गया, लेकिन खेत को कुछ असर नहीं पड़ा। पता नहीं यार कब खाली होगा ये खेत। अभी मार्च की एंडिंग चल रही है, अप्रैल तो पूरा जाने वाला है भाई, खेत में ही जाने वाला है अप्रैल, ऐसा लगता है। देखते हैं आप। तो चलो पहले डूला वगैरह देखते और पहले माल वहाँ पर सावली में लेकर जाते। तो इतना माल यहाँ पर लाकर रख दिए, मैं अकेले ही हूँ इसलिए इतना 4 डूला लाकर रख दिए। पापा आएंगे तो पूरा बाँध निकाल लेंगे खेत से। तो अभी ये है जाई, अभी ऐसा सोचा है कि इतना माल काट ले रही, तब तक पापा आ जाएंगे, फिर चलो करेंगे माल वहाँ से यहाँ पर लाना। तो चलो भाई काटते बड़ा बुरा भी, जितना माल लाया उतना। 4 डूला है ये माल, काटते अब। तो दोस्तों यहाँ के पूरे कंधे काट दिए, ये देखो यहाँ पर जमा किए। तो अभी जा रहे, बाकी कंधे हमने वहाँ पर जमा किए, क्योंकि वहाँ पर मतलब वहाँ से हमने कांदा उपड़ा था ना, तो वहाँ पर मतलब पास हो रहा था, इसलिए बाकी का कांदा वहाँ पर पूरा जमा कर दिया। यहाँ बहुत दूर हो रहा था डिस्टेंस, तो अभी 1-2 कट्टे भर के वहाँ पर लेकर चले जाएंगे, वहाँ पर ही पूरा कांदा काटेंगे फिर। तो चलो भाई डब्बा आ गया, अभी खाना वगैरह खाते और फिर करते अपना मिशन और स्टार्ट कांदा काटना। आज भाई 10 कट्टे से ऊपर का बजट लगाया थोड़ा सा, तो सोचा है कि 10 कट्टे तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा सोचा है कि 10 के ऊपर हो जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो बाकी का कांदा तो पड़ा है खेत में, वो भी अभी लाना है बाकी, तो पहले वो काट लेते फिर ये भी लाते। चलो तो दोस्तों ये है गंज, ये देखो बहुत बड़े गंज है, यहाँ पर लाकर रख दिया हमने। तो अभी काटते बराबर, ये काटने के बाद और माल पड़ा है और लाकर रख देंगे। तो चलो करते अपना काम बराबर। दोस्तों इतना कांदा काटना हो चुका है, तो अभी जा रहे हैं हम कांदा लाने के लिए। तो देखो ये खेत में गंजे पूरे अब लाते हैं हम, चलो लाते बराबर, लाने काटने और करने भी बहुत काम है अभी, चलो करते बराबर। तो दोस्तों इतना कांदा अभी काट लिया है, ये मगन का ये अभी का। तो अभी खाना खाते भाई फिर करते भरना स्टार्ट, पूरे खेत का कांदा काप लिया है, अब कुछ कांदा नहीं बचा। खाना खाते फिर करते भरना स्टार्ट। चलो दोस्तों कुएं में आ गए थे हम पानी देखने के लिए, यह देखो भाई क्या कर दिया भाई रोहिणी, देखो यार पूरा गेहूं देखो कैसा कर दिया, ये देखो। ये देखो कैसा कर दिया, देखो यार समझ नहीं आता यार, इतना बड़ा गेहूं करके हम इतनी मेहनत करते और देखो पूरे बिगाड़ देते रुई। देखो आप ही देखो खुद क्या हालत कर दी भाई। ये देखो ऐसी हालत कर दी भाई रुई, क्या करे भाई, लग मतलब खेत में अभी कुछ पेरे भी नहीं क्या, भाव तो वैसे भी रहते भी नहीं यार, समझ नहीं क्या हर रोज का यार। अभी अच्छे मूड से आ रहा था यहाँ पर कुएं के पास, यहाँ पर अलग ही सीन है रोहिणी का। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दिख रहा है पार, चंदाड़ सुंदाड़ कर देते भाई, क्या करे इनका समझ नहीं आता कुछ।
बेकार हाल है भाई, बेकार। अब पूरा वो गेहूं गया, पूरा बेकार भाई। पता नहीं यार, फॉरेस्ट वाले की जिम्मेदारी रहती है भाई रूही को देखना उनको भाई, जंगल के रूही भाई खेत में। अब देखो अब कैसे पकड़े हम उनको, आप ही सोचो। हम क्या रात भर यहाँ पर खेत में आकर रुके, क्या करें भाई, सोए कब हम। एक तो लाइन की वजह से भी रात को आना पड़ता है, अब रूही की वजह से भी रात को सोए यहाँ पर झोपड़ी लगा के। बेकार हाल भी बेकार। चलो भरते अपने कट्टे, मूड ही खराब हो गया। आप छोड़ो, यहाँ पर आए हैं भरने के लिए। ये सब सुबह हमने एक गन्स निकाला था ना, काटा था, वो ही अब भरते। वो कट्टे हो गए 11 कट्टे भर गए। देखते अब ये कितना माल भरता है। एक कट्टा वैसे कम दिख रहा है, देखते अब लेकर जाते वहाँ पर कितना भरता है। तो चलो 5:15 बज गए भाई, बड़ा भरते। फिर पालकांदा भी उपड़ना होगा हमें, तो भरते बड़ा। चलो तो 12 कट्टे हो गए, ये देखो। तो अभी भरते है भाई पूरा माल, क्योंकि गाड़ी भी आ चुकी है। तो दोस्तों पालकांदा भी ले लिया एक कट्टा, तो अभी लेकर जा रहे। चलो भाई 12 कट्टे वो लेकर चले गए मेन कट्टे, और ये एक कट्टा पालकांदा, 13 कट्टे हो गए आज के। बहुत कट्टे निकाल लिए भाई आज। तो चलो अब जाते घर, कट्टा खोल देते, पहले नहा धो के फ्रेश होते, फिर निसना पड़ेगा इस कांटे को और धोना पड़ेगा। घर पर जाकर भी काम ही काम है। चलो कोई नहीं, नसीब में काम है तो काम ही करना पड़ेगा। दोस्तों कांदा वगैरह सब धुले धो भी, खाना और खाना वगैरह खाते और सोते, क्योंकि कल सुबह जाना पड़ेगा मार्केट में मंगलवार बाजार के लिए। तो इस व्लॉग को ही एंड कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।